गाजीपुर में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी क्रम में सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 8 पुलिस कर्मियों सहित कुल 45 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आए दिन कोरोना संक्रमितों के मिलने से एक तरफ जहां जिले वासियों का भय बढ़ता जा रहा है, वही प्रशासन के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई सूची में मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर बाजार के एक व्यक्ति, मोहम्मदाबाद के जलालाबाद के एक व्यक्ति, फतेहपुर अटवा के एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं जखनिया के सलेमपुर में एक, जखनिया से 3, शहर के शास्त्री नगर से 2, जखनिया के चौजा खास से 1 कोरोना मरीज पाए गए हैं। मोहम्मदाबाद से 1, दुल्लापुर के सुल्तानपुर से 1, जखनिया के गोविंद से 1, सैदपुर तहसील से 2 तो सैदपुर सिधौना से 3 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा सैदपुर के भभौरा से 1, सैदपुर से 1, सैदपुर के खानपुर से 1, दुवैथा से 1, बेलछड़ी से 1, रामपुर सिधौना से 1 मरीज पाए गए हैं। नोनारा से 1, निंदोपुर से 1, नवली से 1, राजपुर कला से 1, धारी खुर्द से 1, शहर के लाल दरवाजा से 2, नंदगंज से 1, शादियाबाद से 1, सराय गोविंद से 1, मर्दा से 1 और शहर के विश्वेश्वरगंज से 1 मरीज पाए गए हैं। वहीं दिलदार नगर पुलिस स्टेशन के 3 पुलिसकर्मी, सैदपुर कोतवाली के 4 पुलिसकर्मी और नोनारा थाना के 1 पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आए दिन कोरोना पॉजिटिवों के मिलने का क्रम जारी है। इससे इस खतरनाक बीमारी को लेकर लोगों में भय व्याप्त हो गया है। इस बीमारी से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से साबुन से हाथ धोने, मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। हमारी आपसे अपील है कि सरकार व प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और गाजीपुर के ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।